ये हमारी सिस्टर थी, 18 जून 2017 में इसकी शादी हुई थी और हिंदू रीति रिवाज से खूब दान दहेज सब कुछ दिया था। और हमेशा जब भी उसके बाद में जब भी वो आती थी उसको मैं पूछते थे क्या बात है, तो इसके घरवाले हमेशा इसको ट्रीट करते रहते थे, मारते थे, पीटते थे, उत्पीड़न करते थे। जैसे हम लोगों से अगर यदि वो बात करे तो उसमें कोई ना कोई कंटिन्यू इसके पास रहता था, ना उसके कोई करीब जो उसके जो भी मोह की बात थी वो भी नहीं उसको करने देते थे। के लिए परेशान करते थे हमेशा, मुझे दहेज दो और दो, जितनी मेरी क्षमता थी हिंदू समाज के अनुसार मैंने उसका जितनी मेरी एक्विटी थी उतना मैंने दहन दहेज दिया। फिर आज क्या हुआ? आज गांव वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे आपकी बहन खत्म हो गई है, और इन लोगों ने तो बताया भी नहीं। अभी हम देख रहे कोई भी इनका सदस्य घर का ही नहीं मिल रहा है। गांव वालों को पूछा, पड़ोसियों को, हाँ पड़ोसियों को पूछा, वो कह रहे मुझे बेटा पता ही नहीं था। तो किस तरीके से मौत हुई? इसकी मारपीट किया और फांसी लगाई, और यहाँ पर इसके घुटनों पर भी चिन्ह है, काफी घुटने, ये पुट्ठे हैं, उसको पुट्ठे पर भी मारा पीटा है इन्होंने। वो हमेशा ही ट्रीट करते थे 10 महीने में। इन्होंने हत्या की है, हत्या जबरदस्ती इन्होंने हत्या की है। हमारी बहन को हमेशा ये ट्रीट ही करते रहते थे 10 महीने, और पैसा चाहिए और धन चाहिए, मैं कहाँ से दे दूँ, हमेशा ये सभी लोग ट्रीट करते रहते थे। मेरा नाम है राम नरेश, मैं नंगला PS 24 इटावा पूरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता नंगला मुझे। उस गांव में एक आरती नाम का एक 20 साल का उम्र का एक लड़की है, कल फांसी लगा दिया था। शादी अभी बस 10 महीने ही हुआ था, तो परिवारजन आ गया और डबल डेथ का मुकदमा लिखवा रहे हैं, आगे कार्रवाई की।